तो भाई बात बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी आपके पास अच्छा प्लेयर होना ही इनफ नहीं है, अभी आपके पास अच्छा डिवाइस और अच्छा नेटवर्क होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको स्किल भी आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ई फुटबॉल में। ठीक है, पहले क्या होता था, ई फुटबॉल में स्किल इतना ज्यादा मैटर नहीं करता था, लेकिन और अब जो कॉम्पैक्ट डिफेंस गेम में चल रहा है, आपको एक ना एक प्लेयर को तो स्किल करके निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन आप अभी भी स्किल नहीं कर पा रहे तो क्या कर रहे हो, क्योंकि यार आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ स्किल रिलेटेड वीडियो। ऐसे 5 टॉप स्किल मैं आपको बताऊंगा जो आप ऑनलाइन मैच में यूज कर सकते हो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग अभी भी स्किल नहीं कर पा रहे, ओपोनेंट आपको स्किल करके निकल जा रहा है, तो सिंपल है, ये वीडियो आज पूरा देखो, प्रैक्टिस करो, मास्टर करो, आप भी स्किल कर पाओगे, आप भी अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसान तरीके से आउटपुट कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक कर दो पहले ही, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने 5 दोस्त के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। तो बिना किसी आवाज से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला स्किल है जो आप लोग अपने ऑनलाइन मैच में यूज कर सकते हो, वो है क्विक स्टॉप। देखो इसको करने से पहले आपको मैं समझा देती हूं कौन से जगह में काम आता है। मान लो यहाँ पे आपका प्लेयर है और आपको इस पोजीशन में इस प्लेयर को स्टॉप करना है, तो आपको पहले जाके उस प्लेयर को जॉयस्टिक से स्टॉप करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, प्लेयर को एक्स्ट्रा मूवमेंट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उसको टर्न करवाना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको इस चीज़ को एक क्लिक में करना है, कैसे करना होगा, आप सिंपल अपने प्लेयर को सामने ले जाना है, फिर पहले डैश टैप करना है और आप जिस प्लेयर को जिस दिशा में ले जा रहे थे उल्टी दिशा में जॉयस्टिक को एक बार फ्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्लेयर इस दिशा में ले जा रहा था, तो अब मैं जॉयस्टिक इस दिशा में फ्लिक करूंगा, लेकिन उससे मिलीसेकंड पहले मैं डैश बटन को एक बार टैप कर दूंगा। तो आप लोग इस चीज को कहाँ पर यूज कर सकते हो, मान लो आप यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मेरा एम्बापे लाइन के सामने बॉल लेके जा रहा है, तो आपको मैं मान रहा हूँ आपका फेक शॉट नहीं आता, तो आपको क्या करना है, सिंपल जॉयस्टिक को टैप करना है और आप जॉयस्टिक को लेकर जिस साइड जा रहे थे उल्टी साइड में एक बार फ्लिक कर देना है, तो आपका प्लेयर एक एनिमेशन करके उधर ही आपका बॉल रुक देगा। और डोंट वरी, जब प्लेयर आपका एनिमेशन करेगा, अगर आपका ओपोनेंट का डिफेंडर एकदम करीब नहीं है तो आपका इंटरसेप्ट नहीं होगा, और अगर एकदम करीब है तो इंटरसेप्ट हो जाएगा, अगर मिडिल में भी है तब भी इंटरसेप्ट नहीं होगा, आपका ओपोनेंट का डिफेंडर भी एक एनिमेशन से वो दूर खड़ा रहेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आप इसको यूज कर सकते हो। सो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट स्किल है जो आप लोग अपने ऑनलाइन मैच में यूज कर सकते हो, वो है मार्शल टर्न। देखो मेरे भाई, ये एक ऐसा स्किल है, अगर आप मास्टर कर सकते हो तो बहुत टाइम इसको आप 1v1 में भी यूज कर सकते हो। नहीं तो यार, आप मान लो यहाँ पे मेरा प्लेयर जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे प्लेयर के बाजू में एक प्लेयर है, अगर मैं यहाँ पे डबल टच करूंगा तो मेरा वो प्लेयर इंटरसेप्ट कर लेगा, तो तब मैं क्या करूंगा, तब मैं एक मार्शल टर्न करके उस प्लेयर से पहले मूवमेंट मेरा बॉडी को हटाऊंगा। ठीक है, देखा कितने अच्छे आसानी से बॉडी हट गया, अब मैं इसको डबल टच करके निकाल दूंगा। ठीक है, तो मार्शल टर्न को आप इसी दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको मार्शल टर्न करना कैसे। देखो, मार्शल टर्न करने से पहले आप देख लो आप कौन से दिशा में जाना चाहते हो। आप मान लो इस दिशा में जाना चाहते हो, तो मार्शल टर्न जब होगा तो आपका इस दो दिशा में काम आएगा, मतलब आप जिस दिशा में आपका जॉयस्टिक से आप प्लेयर ले जा रहे हो, मार्शल टर्न बस उसके ऊपर और नीचे में काम आएगा। बस एक बार आपको डैश टैप करना है, फिर एक बार आप जिस दिशा में ले जा रहे हो उसके ऊपर एक फ्लिक करना, अगर आप जिस दिशा में ले जा रहे हो अगर तो आप नीचे में फ्लिक करते हो तब भी मार्शल टर्न होगा। बस अगर आप ऊपर फ्लिक करते हो तो मार्शल टर्न करके ऊपर फिनिश होगा, अगर आप नीचे फ्लिक करते हो तो मार्शल टर्न करके नीचे फिनिश होगा। ठीक है, यही एक सिंपल सा चीज़ है। आप मार्शल टर्न को भी अपने ऑनलाइन मैच में जरूर यूज़ करना, इसके लिए आपको बस प्रैक्टिस करना होगा। आप बात कर लेते हैं हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट स्किल जो आप अपने ऑनलाइन मैच में यूज कर सकते हो, वो है फेक शॉट। देखो मेरे भाई, फेक शॉट बहुत तरीके के हो सकते हैं, एक है पास रिसीव करने का फेक शॉट, एक है चेंज डायरेक्शन का फेक शॉट और एक है चेंज डायरेक्शन करके खड़े रहने का फेक शॉट। देखो मेरे भाई, इन सारे फेक शॉट को एक वीडियो में मैं बता नहीं सकता, अगर आपको फेक शॉट रिलेटेड प्रॉपर एक डिटेल में वीडियो चाहिए, हर एक टाइप का फेक शॉट कैसे करना है, कौन सी सिचुएशन में करना है, मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अगर आपको फेक शॉट रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई और रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए आप बस कमेंट कर दो, और उस जिसके कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा मैं उसका कमेंट को पिक करके उसके ऊपर एक वीडियो ला दूंगा। ठीक है, सो अब बताता हूँ आपको फेक शॉट करना कैसे। मान लो यहाँ पे मैं बॉल लेके जा रहा हूँ, तो अब मुझे एक फेक शॉट करके इसको रोकना है, तो कैसे रोकूंगा, मैं बस एक शूट बटन को क्लैप करूंगा। ठीक है, एक बार टैप करूंगा शूट बटन को और जॉयस्टिक को किसी भी एक साइड में मूव कर दूंगा। ठीक है, किसी भी एक साइड बस फ्लिक कर दूंगा, बस शूट पहले शूट दबाना। ठीक है, ज्यादा देरी मत करना, पहले शूट दबाना और एक साइड फ्लिक कर देना। और अगर आप टाइप ऑफ फेक शॉट करना चाहते हो तो उसके लिए अलग अलग डायरेक्शन है, वो आप अगर टाइप ऑफ फेक शॉट चाहते हो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप
जानना चाहते हो कि फेक शॉट नॉर्मल कैसे करते हैं, बस शूट बटन को टैप करना है और फ्लिक कर देना है। जैसे कि आप स्किल नॉर्मल करते हो, डैश बटन को टैप करके फ्लिक करते हो, फेक शॉट भी सेम है, वहां पे सिर्फ आप डैश की जगह शूट दबाते हो, ठीक है। दूसरे इंपॉर्टेंट स्किल जो आप लोग अपने ऑनलाइन मैच में यूज कर सकते हो, वो है स्पेशल डबल टच। स्पेशल डबल टच करने के लिए आपके प्लेयर के पास तीन स्किल होना बहुत जरूरी है, फ्लिप प्लस होल कंट्रोल और डबल टच। ये चीज अगर आपके प्लेयर में है, आपका प्लेयर एक यूनिक से अगर डबल टच करेगा वो बहुत ज्यादा रेंज में होगा, और इस डबल टच एक ऐसा डबल टच है जिससे आप एकदम से एक ही बार में दो प्लेयर को डबल टच करके निकाल सकते हो, ठीक है। और कोई सा भी स्किल में आप दो प्लेयर को एक बार में स्किलिंग करके नहीं निकाल सकते, लेकिन इस वाले डबल टच मतलब स्पेशल डबल टच में आप एक बार में दो प्लेयर को डबल टच करके निकाल सकते हो। तो इस चीज को कैसे करना है, सिंपल है। आप जिस साइड में जा रहे हो बॉल को लेके, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, अब बस जैसे ही आपको स्किल करना है आपको अपना डैश बटन छोड़ देना है, कुछ मिली सेकंड के लिए डैश बटन छोड़ देना है। अब जब आप छोड़ोगे, जब आपको स्किल करना है तभी आपको डैश बटन टैप करना है, और जिस साइड में आप बॉल लेके जा रहे हो उस साइड में क्लिक करना है, ठीक है, कोई और साइड में नहीं। अगर आप सीधे जा रहे हो तो सीधे क्लिक करना, कोई डाई बाई मत करना, बस आपको उससे पहले डैश बटन को एक बार टैप करके क्विकली जिस साइड में आप जा रहे हो उस साइड में एक क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी डिटेल में कंटेंट चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट और सबसे पॉपुलर स्किल जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर लोग यूज करते हैं अपने ऑनलाइन मैच में, वो है डबल टच। देखो डबल टच करने के लिए कुछ नहीं, जो मैंने आपको स्पेशल डबल टच दिखाया है उसी के तरह पूरा कॉपी करना है। बस आपके प्लेयर के पास फ्लिप प्लेयर नहीं होता, नहीं तो या स्कोर कंट्रोल नहीं होगा, बस डबल टच होगा, ठीक है। अगर आपके पास तीन स्किल में एक भी स्किल नहीं है तो डबल टच आपका प्लेयर कर सकता है। तो डबल टच भी आप लोग सीख गए, सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ठीक है। चलता हूँ।